हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। तो आज है कथा का तीसरा दिन, और तीसरा दिन कैसा व्यवस्था है, कितना भीड़ है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाती हूँ। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। और यहाँ पे भाई एक से बढ़कर एक व्यवस्था है। जैसे अभी चल रही है नौतप्पा का दिन, गर्मी का दिन, धूप का दिन, लू का दिन, तो उसके लिए यहाँ पे फुहारे का व्यवस्था किया हुआ है। दूसरी बात, जो धूकने का है वो भी बिक रहा है, जो 20-20 रुपये में है। उसके बाद में आपको अगर बार बार प्यास लगती है, कुछ लगता है, तो पल पल में पानी भी बट रहा है। तो ऐसा है व्यवस्था अमलेश्वर का। तो आइए जानते हैं, आज का तीसरा दिन है, मतलब 27, 28, 29 की रात है, तो कैसा है भाई। दिन में आप देखोगे बिल्कुल भी जगह नहीं रहता, क्योंकि दूर दूर से लोग आए रहते हैं, और कई लोग अपने रिलेशन के घर चले जाते हैं, कई लोगों का पास रहता है, तो डेली आना जाना करते हैं। अब जो दूर दराज से हैं, जिनको रात काटना है, वही लोग पंडाल में रुकते हैं। तो पंडाल में रुकने के लिए जब सब लोग चले जाते हैं कथा के बाद ना, तो एकदम फैल फैल के सोते हैं, फैल फैल के बैठते हैं। तो उसी प्रकार यही सब हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है, हम किधर हैं, कैसा है। अब यहाँ पे तीन डोंग बनी हुई है, तीनों डोंग में वाटरप्रूफ है, पानी आंधी तूफान जो भी आता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद में हम लोग जगह देखे थे, तो वो तो पूरा भर चुका है, आपको पता ही है, हमारे ब्लॉग से आपको पता चल जाएगा हम पहले कहाँ लिए थे और कहाँ पहुँच गए। अब उसके बाद आज तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन ये एलईडी जो है ना वो स्टार्ट हुआ था हमारा, तो हम परेशान थे, हमें कथा सुनने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि एलईडी से हम पंडित जी के मुख को देख सकते हैं, और कोई भी चीज़ हो, चाहे वो टीचर हो, गुरु हो, बच्चे हो, जो भी हो, जितना आप फेस टू फेस, मुख टू मुख मिला के बात करोगे, देखोगे, समझोगे, तो आपके माइंड में जल्दी लगता है, घुसता है, समझ आता है। उसी प्रकार हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे ना व्यवस्थापक लोग भी अच्छे हैं, मतलब आप अगर भीड़ के समय में फैल फैल के बैठ रहे हो, सामानों को फैला के रखे हो, तो उसको सटीक तरीके से करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छांव में बिठाने की कोशिश करते हैं। इधर से अगर कोई लेटर दे रहा है, और लेटर देने के बाद हाथ हिला रहे हैं, तो उसको जाने के लिए परमिशन इसी गली से मिलता है, ताकि वो जल्दी से पंडित जी के पास पहुंच के बेलपत्र का प्रसाद ले ले। अब उसके बाद में आज के दिन तीसरे दिन ना एक अनोखा हुआ, क्या हुआ, कुरुत के पंडाल में ना एक लड़का था, वो बोला होगा कि मैं पैदल आऊँगा अगर मेरे पापा का तबीयत ठीक हो जाएगा तो करके, तो वो कुरुत के पंडाल से, कुरुत के गांव से अमलेश्वर आया है। मतलब कितना किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर तो भी होगा, 60-70 किलोमीटर, और उसको इस भरे दोपहरी में, गर्मी के दिन में पैदल आया, मतलब मायने रखता है भाई। तो अब देखो सब लोग सोने के लिए देख रहे हैं, और स्टेज भी हो गया है तैयार, और मेरे यहाँ मम्मी और बड़े मम्मी जो गए थे वो दोनों स्टेज पे गए हैं, तो उसके लिए व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा चैनल में जाके। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लस उसके साथ में बेल आइकन बटन जो रहता है उसको जल्दी से दबा दो, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। और हाँ, अगर शिव भक्त हैं तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। और हाँ, अगर आप मेरे को जानते हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बताए, यहाँ भी ना हम लोग घूम घूम के वीडियो बना रहे थे, तो डांट भी खा रहे थे, क्योंकि इन लोग सो रहे थे, अपने बिस्तर को फैला फैला के रखे थे, और हम जूता पहने थे तो खून रहे थे इनके बिस्तर को। हालाँकि हमारे जूते में ना कीचड़ था ना गंदगी था, पर भी बिस्तर के लिए जूता और चप्पल तो गंदा ही है ना, तो उसके वजह से थोड़ी थोड़ी हम डांट भी खा रहे थे। और पानी का फुहारा का मौका हम भी देख रहे थे, कहीं हमारे पास भी हमारे बॉडी में आ जाता, मगर हमारे किस्मत में नहीं था तो वो नहीं आया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं देखती हूँ, तो इधर से ना रास्ता को ब्लॉक कर दिए थे, तो मैं सोच रही थी किधर से जाऊँ, क्या करूँ करके समझ नहीं आ रहा था। और आपको दिख गया होगा मेरे वीडियो में,
पहले दिन का, दूसरे दिन का, शोभा यात्रा का, सब चीज का ब्लॉग डला हुआ है, आप सारा चीज को देख लेंगे। और क्या आप भी कथा पंडाल में आना चाहते हैं, तो कैसे आना है, क्या करना है, क्या क्या सुविधा है, सारा चीज आपको मेरे पहले वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। तो अब उसके बाद में यहाँ पे ना मेरा दिमाग चल रहा था, कहीं एकाध पास मिलता तो जो बड़े मम्मी और मम्मी आए हैं उनको मैं अंदर अच्छे से बिठा देती। कोशिश करी मैं पास का, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था तो वो नहीं मिला, क्योंकि उन लोग भी बंधे रहते हैं, एक अकेले का कार्यक्रम नहीं है, ये सब लोग मिल के करते हैं, तो सबकी राय सबकी सूचना से होता है, तो हमें आई कार्ड नहीं मिला। तो ऐसी जनरल में बैठे थे, धूप खाते, गर्मी खाते बहुत ज़्यादा, और रात को ना नींद नहीं आती, क्योंकि सब लोग कचपच 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 आवाज़ करते रहते हैं, आना जाना। दूसरा, लाइटें पूरी जलते रहती है, अगर लाइट को बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो चोरी का गिनती नहीं रहेगा, और प्लस छेड़छाड़ भी होगा, तो उसके वजह से ना लाइट को बंद नहीं करते, लाइट पूरी जलते रहती है। पर हाँ, इतनी पब्लिक, इतने उसमें ना कीड़े भी नहीं रहते और ना ही मच्छर भी नहीं रहते, भाई पता नहीं कहाँ चले जा रहे थे, नहीं तो थोड़ा सा आंगन में बैठोगे ना आप तो मच्छर इतना काटता है कि आपके पैरों में हाथों में सूजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक भी मच्छर नहीं है, ये अच्छा बात है। पर धीरे धीरे जब गंदगी होता है ना, तो लास्ट तक मच्छर कीड़े सब आना शुरू हो जाते हैं, ऊपर से पानी भी गिरता है जिसके वजह से कीचड़ आता है। देखो बैग का तो ढेर लगा है भाई यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और कितना भीड़ है क्या है सारा अंदाज लगा लीजिए। लेकिन दिन का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसा था, ये केवल और केवल रात का है, रात का नज़ारा देखने में मज़ा ही आता है। तो सोचो अगर आप पंडाल में घूमे हुए तो और कितना मज़ा आएगा, क्योंकि लोगों की आवाज़, लोगों की कहना, लोगों के गाने बाने के थिरकने की आवाज़ अच्छा लगता है। आज अभी नहीं थिरक रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से ना सबका हालत ख़राब है, और वैसा सब करने के बाद में ठंडा हवा मिले तो आलीशान आराम नींद लगता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, अगर आप शिव भक्त हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में ज़रूर लिख देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कथा पंडाल का एड्रेस तो आपको पता ही होगा, अमलेश्वर रायपुर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पे हो रहा है। कथा का टाइम है दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक, आपको आस्था टीवी पर, फेसबुक चैनल पर, पंडित प्रदीप मिश्रा चैनल पर और मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा। तब तक के लिए बाय।